हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ। ये पैटर्न बहुत आसान पैटर्न है, आठ सिलाइयों का पैटर्न है और इसमें फंदे लगते हैं मल्टीपल ऑफ सिक्स जमा पाँच। तो मैंने ये मल्टीपल ऑफ सिक्स 30 फंदे जमा पाँच 35 फंदे लिए हैं और ये जो है वो आठ सिलाइयों का पैटर्न है, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ। तो इससे पहले कि मैं पैटर्न सिखाना आपको शुरू करूँ, तो जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो उसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और चलिए शुरू करते हैं आज का ये पैटर्न। एक चीज़ और कि अगर वीडियो पसंद आए तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि हर अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये पैटर्न। तो ये जैसा मैंने बोला कि आपको कि आठ सिलाइयों का पैटर्न है, इसमें पहले चार सिलाइयाँ हम बुनेंगे, एक सीधी सिलाई, एक उल्टी, एक सीधी, एक उल्टी। तो चार सिलाइयाँ हम इस तरह बुनेंगे सिंपल स्टॉकिंग स्टिच में। पहली सिलाई सीधी, दूसरी उल्टी, तीसरी सीधी, फिर उल्टी। तो ये चार सिलाइयाँ मैं डाल के फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब बुनेंगे हम पांचवी सिलाई। चार सिलाइयाँ मैंने डाल दी हैं। पांचवी सिलाई कैसे बुनेंगे? पांच फंदे सिंपल उल्टे बुन दिए, ये चार और ये पांच। तो ये पांच फंदे उल्टे बुनने के बाद फिर हम धागे को सिलाई के ऊपर ऐसे लपेट देंगे और जैसे एक फंदा बन जाएगा और ये निट वाली पोजीशन में आ जाएगा धागा हमारा। तो इस तरह से हम इसको लपेट देंगे। फिर इसके बाद एक फंदा हम सीधा बुन देंगे, फिर धागा हम लपेटेंगे इस तरह से कि ये उल्टा वाली पोजीशन में आ गया धागा। और फिर से हम इसी तरह रिपीट करेंगे कि पांच फंदे उल्टे बुने, तीन चार पांच, और फिर धागा हमने ऐसे लपेटना है ऐसे कि ये इस पोजीशन में आ जाए। और फिर एक फंदा सीधा बुना, फिर धागा हम इस तरह लपेटेंगे सिलाई के ऊपर कि ये उल्टी वाली पोजीशन में आ जाए उल्टा बुनने की। और फिर से वैसे रिपीट करेंगे कि पांच फंदे उल्टे बुने, तीन चार पांच, और फिर धागा हमने ऐसे लपेट देना है। फिर एक फंदा सीधा बुना, फिर धागा हमने उल्टी वाली पोजीशन में लपेट लेना है और फिर से रिपीट करना है पांच फंदे उल्टे बुने, और फिर धागा हमने इस तरह लपेट दिया। फिर एक फंदा सीधा बुना, फिर हमने धागा इस तरह लपेट दिया। तो इस तरह हम रिपीट करते जाएंगे। फिर से रिपीट करती हूँ, पांच फंदे उल्टे बुने, लास्ट में फिर हमारे पास पांच फंदे बचेंगे उनको हमने उल्टा बुन देना है। तो ये मैंने तीन चार पांच फंदे बुन दिए, फिर धागे को ऐसे सिलाई के ऊपर लपेट दिया, फिर एक फंदा सीधा बुना, फिर धागे को इस तरह सिलाई के ऊपर लपेट दिया। अब लास्ट में हमारे पास पांच फंदे बचे हैं तो इनको हम उल्टा बुन देंगे और ये हमारी पांचवी सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब बुनेंगे हम छठी सिलाई। तो छठी सिलाई हम किस तरह बुनेंगे? पहले पांच फंदे सीधे, तीन चार ये पांच फंदे सीधे, और फिर तीन फंदे हम उल्टे बुनेंगे, फिर पांच फंदे सीधे, तीन चार पांच। तो ये जो हमने तीन फंदे उल्टे बुने और पांच फंदे सीधे बुने थे, यही हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। फिर से तीन फंदे मैं उल्टे बुनती हूँ, ये तीन फंदे उल्टे बुने, फिर पांच फंदे सीधे, दो तीन
चार पांच, फिर तीन फंदे उल्टे और पांच फंदे सीधे। एंड तक हमने इस तरह ही पूरी सिलाई बुननी है, ये पांच फंदे सीधे। फिर इस तरह ही रिपीट करेंगे, तीन फंदे उल्टे और पांच फंदे फिर सीधे, फिर तीन फंदे उल्टे और पांच फंदे सीधे। तो ये हमारी छठी सिलाई डल गई। अब डालेंगे हम सातवीं सिलाई। तो सातवीं सिलाई में हम बुनेंगे पांच फंदे उल्टे तीन फंदे सीधे, दो तीन, बस सारा हम जो है पूरी सिलाई इस तरह बुनेंगे, पांच फंदे उल्टे तीन फंदे सीधे, और लास्ट में पांच फंदे बचेंगे उन्हें हम फिर उल्टा बुन देंगे। तो बार बार रिपीट यही करेंगे हम, पांच फंदे उल्टे और तीन फंदे सीधे, फिर पांच फंदे उल्टे, दो तीन चार पांच और तीन फंदे सीधे, फिर पांच फंदे उल्टे, तीन चार पांच और फिर तीन फंदे सीधे, और लास्ट में फिर पांच फंदे बच गए हैं तो इन्हें हम उल्टा बुन देंगे, दो तीन चार और ये पांच। तो ये सातवीं सिलाई डल गई। अब हम इस पैटर्न की आखिरी सिलाई डालेंगे। तो आखिरी सिलाई हम किस तरह से बुनेंगे, पांच फंदे सीधे और फिर हम तीन फंदों का जोड़ा मार देंगे उल्टा, और फिर से पांच फंदे सीधे, तीन चार पांच, और बस बार बार हम फिर ऐसे ही रिपीट करेंगे, तीन फंदों का जोड़ा मारा और पांच फंदे फिर सीधे बुने, तीन चार पांच, फिर तीन फंदों का जोड़ा और ये पांच फंदे सीधे, तीन चार पांच, फिर तीन फंदों का जोड़ा मारना है, फिर से तीन फंदों का जोड़ा उल्टा मारना है, जोड़ा उल्टा जोड़ा और पांच फंदे फिर सीधे। बस इसी तरह हमने पूरी सिलाई बुनते जाना है ये वाली, फिर से तीन फंदों का उल्टा जोड़ा और पांच फंदे सीधे। तो ये हमारी पैटर्न की आखिरी सिलाई और आठवीं सिलाई कंप्लीट हो गई। तो ये इस तरह जो है वो हमारी आठ सिलाइयां डालने के बाद इस तरह ये पैटर्न हमारा दिखेगा। ये देखिए इस तरह से बहुत आसान पैटर्न है, आठ सिलाइयों का। इसमें चार सिलाइयां तो प्लेन हैं और चार सिलाइयों में हम फिर पैटर्न डालते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पैटर्न अच्छा लगा होगा। आप अपना जो फीडबैक है कमेंट सेक्शन में जाके दे सकते हैं, और आप इस पैटर्न की प्रैक्टिस कीजिए।
मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में कुछ और लेके, कुछ नया पैटर्न लेके। तब तक के लिए हैप्पी क्राफ्टिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।